खबर आप तक पहुंचाते हैं। देश भर में आपको बता दें कि बारिश इस समय अपना कहर बरपा रही है। बाढ़ से जूझ रही दिल्ली में जल भराव है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय पानी ही पानी देखने को मिल रहा है और आफत की बारिश इस समय लोगों के लिए लगातार संकट को बढ़ा रही है। यूपी के कई जिले जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, गाजियाबाद, नोएडा में यमुना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त यमुना कर चुकी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के कई गांव हैं जिनमें बाढ़ इस समय आई हुई है। इसके अलावा अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जारी है। गंगा यमुना समेत सभी नदियां उफान पर हैं। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी इस समय यमुना का भर चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी फिर से मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस समय अलग अलग जगह से हमें जानकारी देंगे। ईशा ठाकुर हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से। वासु कसाना हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इस समय गाजियाबाद से। और इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ अन्य संवाददाता भी यहां पर मौजूद है, गजेंद्र सिंह। ईशा, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। इस समय पंजाब में क्या कुछ स्थिति आप देख रही हैं? क्या नजारे इस समय आफत की बारिश के बाद इस समय चंडीगढ़ में, पंजाब के क्षेत्रों में, हरियाणा के इलाकों में भी देखे जा रहे हैं? क्या कुछ प्रयास सरकार के भी देख रही है इन हालातों से उबरने के लिए? बिल्कुल विशाखा, देखिए इस वक्त समूचा उत्तर भारत बाढ़ के चपेट में है। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक सभी इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, वहां का जो पानी है सीधे तौर से हरियाणा और पंजाब पहुंच रहा है और यहां से जो पानी है सीधा राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। यही वजह है कि सब जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के 15 से ज्यादा जिले इस वक्त बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और जो नदी नाले हैं इस वक्त पूरी तरीके से उफान में है। अगर हम सरकारों की बात करें, राहत और बचाव कार्य तो जारी है लेकिन ये नाकाफी जरूर कह सकते हैं क्योंकि लोगों तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। पुख्ता प्रबंध नहीं पहले से किए गए, ये अब सभी जगह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 13 से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और खासकर वो जिले जो हरियाणा के वो जिले ज्यादा प्रभावित हुए हैं जो कि हिमाचल के साथ सटे हुए हैं। पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से प्रभावित हुई। साथ ही कुरुक्षेत्र लगातार बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर बचाव और राहत कार्य जारी है लेकिन राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट 5 जिलों के लिए जारी कर दिया गया है और साथ ही ये कहा गया है कि लोग सावधान रहे क्योंकि कभी भी जो मौसम विभाग है हर 6 घंटे बाद दोबारा अपना अपडेट देंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि इसे रेड अलर्ट में भी बदला जा सकता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिमाचल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पर है। हरियाणा सरकार पर, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की, लगातार ये आरोप लगा रही है मकरीपुर बैराज से जो पानी लगातार दिल्ली की तरफ पहुंच रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत ही पहुंच रहा है। सुबह सुबह यानी कि साफ तौर पर इस मुश्किल घड़ी में भी राजनीति अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईशा, बिल्कुल। फिलहाल गजेंद्र सिंह भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हैं। और गजेंद्र, क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? सरकार की तरफ से जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जिम्मेदारियां ली जा रही हैं या अभी भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर जारी है? देखिए, राजनीति ही है और लगातार दौर भी लगातार जारी है। इस बीच में जो संकट बढ़ी है वो दिल्ली वालों के लिए, खासतौर से जो निचले इलाकों में, खादर इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए जरूर मुसीबत का समय अभी है क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई है अभी भी यमुना नदी की बात कर लीजिए। हालांकि जलस्तर कम जरूर हुआ है लेकिन अगर इस तरीके से येलो अलर्ट आज दिल्ली में दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, अगर बात की जाए तो IMD की तरफ से दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर तेज बारिश होती है दिल्ली में भी
या फिर हरियाणा में भी अगर तेज बारिश होती है तो एक बार दोबारा से यमुना में पानी छोड़ा जा सकता है, जिसमें जिसके बाद खतरा जरूर सामने आ सकता है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर अभी भी यमुना बह रही है। और जिस तरीके से देखा गया था कि दिल्ली के अगर आईटीओ की बात कर ली जाए या फिर लाल किले की बात कर ली जाए, खादर इलाकों की बात कर ली जाए, तो वो पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए दिखाई दिए। अभी भी पानी जरूर भरा हुआ है, हालांकि अब पानी का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लगातार तेज बारिश की वजह से एक बार दोबारा से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे फंसे हुए लोगों के लिए कैंप जरूर लगा दिए गए, सबको ऊंचे स्थान पे ले गई है। अगर सरकार की बात की जाए, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी तैनात है, हर 2 किलोमीटर पे एक बोट तैनात की गई है, और लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लगातार बोट से निगरानी भी की जा रही है। ऐसे में लगातार आईएमडी की तरफ से एक बार दोबारा से तेज बारिश की चेतावनी देने पर, येल्लो अलर्ट देने पर जरूर दिल्ली वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर तेज बारिश होती है तो, खासतौर से यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो गर्मी से जरूर राहत मिली है, मानसून का समय है, तो ऐसे में दिल्ली में भी बारिश होना है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पानी छोड़ा गया हरियाणा की तरफ से, कई लाख से पानी छोड़ दिया गया, उसकी वजह से जरूर यमुना में जो है बाढ़ को देखा गया है। लेकिन अगर इसी तरीके से बारिश रही तो जरूर मुसीबत का सामना एक बार फिर से दिल्ली वालों को करना पड़े। बिल्कुल, और स्थिति कहीं ना कहीं दर्शाती हुई भी नजर आ रही है गजेंद्र। फिलहाल वासु कसाना भी हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद से। वासु, क्या कुछ स्थिति आप इस समय गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में देख रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड दिल्ली का पूरा इलाका है, देखिए वो तो झीलों में तब्दील हो चुका है, जलमग्न है। गाजियाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से भी तस्वीरें यही सामने आई हैं। जी देखिए विशाखा, आपको बता दें, जो मानसून, जिस मानसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब लोगों के लिए आफत बन चुका है, क्योंकि जो गाजियाबाद का लौनी है, लौनी का जो बदर खादर का जो एरिया है, वहां एक पुश्ता रोड टूटता है। रोड टूटने के बाद जो करीबन 5 किलोमीटर तक की रेंज के जो गांव थे या फैक्ट्री आती है, टोनिक सिटी क्षेत्र जिसे कहा जाता है, वो सभी बाढ़ की चपेट में आ गया। करीबन 5 से 6 फुट तक का पानी सभी एरियो में भर गया। और बात करें वहां के जो आसपास के गांव थे, वहां जो फसलें थी वह सब ध्वस्त हो गई है, इससे किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। अगर ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया, अगर बारिश होती है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि खादर का एक गांव था जो पहले ही पुस्ता रोड टूटने से पहले ही जल में, पानी में बिल्कुल डूब गया था, और वहां रेस्क्यू करके लोगों को निकाला गया था। लेकिन ऐसी ही स्थिति अब जो पुस्ता रोड टूटता है, उसके बाद जो गांव है उससे जुड़े हुए जो गांव है, ट्रोनिका सिटी क्षेत्र है, वो पूरी तरह अब पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जो कि लोगों के लिए एक आफत बन गया, क्योंकि लोग अब घर से बेघर हो गए हैं। लोगों का जो रहना सहना अब सड़क पे आ गए हैं, उन्हें कैंपों में रखा गया है, अपने अपने घरों को छोड़कर इस वक्त लोग लाचार, लोग इस बारिश से परेशान होकर अब कहीं ना कहीं प्रशासन से भी अब आशा कर रहे हैं कि वो प्रशासन उनकी मदद करे। लेकिन प्रशासन की एक बड़ी चूक देखने को मिली है, क्योंकि जो जब पुस्ता रोड टूटता है तो प्रशासन उसे रोकने में नाकामयाब होता है, जिसका खामियाजा लौनी की जनता को झेलना पड़ा। जी विशाखा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए स्थिति यही है, जनता बेहाल है इस समय बारिश से, प्रशासन की कहीं कमियां है कहीं प्रयास है, साफ तौर पर नतीजा यही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।